my name is aisha and i'm your chemistry teacher for this digital learning session so let's start so in today's lecture students we are going to learn about the remaining topics of chapter chemical combination and these topics are chemical reaction in which we will discuss about the types of chemical reaction let's start our today's lecture with the chemical reaction सो वॉट इज अ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इज सिंपली अ केमिकल चेंज स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल नो दैट अ मैटर अंडर गोज टू टाइप्स ऑफ चेंजेस अ केमिकल चेंज एंड अ फिजिकल चेंज अ केमिकल चेंज इज अ चेंज एंड विच द कम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंज यानी कि वो चेंज जिस में किसी भी मैटर की कम्पोजिशन जो है चेंज हो जाए उसे कहा जाता है केमिकल चेंज जबकि फिज़िकल चेंज आपके पास उस चेंज को कहा जाता है जिसमें मैटर की फिजिकल अपेयरेंस यानी कि जो बाहर स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो लेकिन उसे कंपोजिशन पर कोई फ़र्क ना पड़े तो केमिकल रिएक्शन कैसा चेंज है केमिकल रिएक्शन एक तरह का केमिकल चेंज है जिसमें जो सब्सटेंस होता है जो मैटर होता है उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर एग्जाम्पल नज़र आ रही है बर्निंग ऑफ कोल यानी कि जब कोयला जलता है तो जो चेंज आता है उसे केमिकल चेंज कहा जाता है तो ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है बिल्कुल इसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि जो आयरन है जो लोहा है उस पर जो जंग लगता है इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन सो स्टूडेंट्स ये जो केमिकल चेंज है जिसमें मैटर की जो कंपोजिशन है, है वो चेंज हो जाती है सब्सटेंस की कंपोजिशन चेंज हो जाती है ये केमिकल रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सो सिंपली वी डिवाइड द केमिकल रिएक्शन इनटू फाइव डिफरेंट टाइप्स नंबर वन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस नंबर टू एडिशन रिएक्शंस नंबर थ्री सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नंबर फोर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड नंबर फाइव कंबस्टन रिएक्शंस तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इन केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन से डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन यानी कि चीज़ों का टूट जाना तो इट मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ इस तरह का रिएक्शन होगा जिसमें हम सब्सटेंसेस के टूटने की बात कर रहे होंगे ब्रेक होने की बात कर रहे होंगे तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच ह सि सिंगल सब्स्टेंस ब्रेक इन टू टू और मोर न्यू सब्सटेंसेज यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है टूट जाता है एक सिंगल सब्सटेंस टूट जाता है और दो दो या दो से ज़्यादा नए सब्सटेंसेज बनाता है इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कि आप स्क्रीन पर एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं वैन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट इट डपोज इंटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाईऑक्साइड यानी अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने की वजह से ये कैल्शियम कार्बोनेट दो चीज़ों में स्प्लिट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में स्टूडेंट अगर आप गौर करें आपको रिएक्शन में एरो के ऊपर एक ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इस छोटे से ट्रायंगल को हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहते हैं डेल्टा और इस डेल्टा का मतलब होता है हीट तो अगर आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन के एरो के ऊपर ये डेल्टा का साइन नज़र आए तो आप समझ लीजिएगा उस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको हीट करना पड़ेगा जब आप हीट करेंगे तो ही ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है अदरवाइज ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो स्टूडेंट्स जिन केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको हीट करना पड़ता है आपको एनर्जी देनी पड़ती है उन केमिकल रिएक्शन्स को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस तो इसका मतलब क्या हुआ जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं आपको हमेशा इन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए सब्सटेंसेस को हीट करना पड़ता है ताकि वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में टूट जाएं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज़ एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक और बात डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा सिंगल होता है जबकि प्रोडक्ट जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं तो आप इसकी आइडेंटिफिकेशन आराम से कर सकते हैं अगर रिएक्टेंट सिर्फ एक है और प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा है डेट मीन्स कि वो जो केमिकल रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है लेट्स मूव टूवर्ड्स अ नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डेट इज एडिशन रिएक्शन सो वॉट इज एडिशन रिएक्शन आ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कम्बाइन टूगेदर टू फार्म आ सिंगल सब्सटेंस वो रिएक्शन क्योंकि आपको नाम ही बता रहा है एडिशन यानी कि चीज़ों का मिल जाना तो वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कम्बाइन हो और कम्बाइन होने के बाद वो एक सिंगल सब्सटेंस बनाएं देट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन एंड स्टूडेंट्स इस एडिशन रिएक्शन का एक सेकेंड नेम भी है जिसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल अगर आप गौर करें आपको जो एग्ज़ाम्पल दी गई है दिस इज द रिवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की रिवर्स इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दी है तो इट मीन्स जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन है दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर क्यों डम्पोजिशन में चीजें टूट रही थी एडिशन में चीज़ें कम्बाइन होकर जुड़ रही हैं दैट्स वाई एडिशन एंड रिकम्पोजिशन रिएक्शन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर तो आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं वॉट इज रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट मीन्स टू चेंज द पोजिशन अपनी पोजिशन को चेंज कर लेना अपनी जगह को चेंज कर लेना कहलाता है रिप्लेसमेंट सो सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है सिंगल मीन्स वन तो आइए हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं अ टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच ओनली वन सब्सटेंस रिप्लेस इट्स एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि वो रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में मौजूद एक सब्सटेंस अपने एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करे दूसरा कोई भी चीज रिप्लेस ना करे उसे कहा जाता है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्योंकि सिंगल मीन्स वन एग्जाम्पल आपके पास हम देखते हैं मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स बेसिस एंड वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस ये एक जनरल आपके पास रिएक्शन लिख दिया है, लेकिन एग्जांपल आपके पास लिखी है कि जब हम ज़िंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं एच का तो आपके पास बन जाता है ज़िंक क्लोराइड प्लस एच अगर आप इस रिएक्शन पर गौर करें तो इस रिएक्शन में ज़िंक ने कोई चीज़ रिप्लेस नहीं की क्योंकि जिंक के पास तो कुछ था ही नहीं लेकिन जो एच है इस एच में से क्लोरीन जो है उसने अपनी पोजीशन चेंज की वो एच के पास से हट कर जिंक के पास चला गया तो यानी कि सिर्फ एक सब्सटेंस यानी एच ने अपने एटम को रिप्लेस किया और वो दूसरों को दे दिया तो किसको दे दिया जिंक को दे दिया और बन गया जिंक क्लोराइड तो क्योंकि एक सब्सटेंस ने अपने एटम को रिप्लेस किया है इसीलिए इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल आपको दी गई है उस एग्जांपल में आपके पास ये आता है कुछ रिएक्शंस जहाँ पर दो सिमिलर ग्रुप के आपके पास सब्सटेंस एटम्स होते हैं तो उनमें जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है जैसे क्लोरीन है क्लोरीन और ब्रोमीन एक ही फैमिली के मेम्बर हैं तो क्या हुआ क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन कम रिएक्टिव है तो यहाँ पर क्लोरीन का रिएक्शन जब आप के बी आर से करवाते हैं तो के बी आर में मौजूद है ब्रोमीन तो क्लोरीन क्या करेगा क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा तो आप अगर आप गौर करें तो के बी आर में से सिर्फ ब्रोमीन बाहर निकल गया यानी कि उसकी रिप्लेसमेंट हो गई और उसकी जगह क्लोरीन आ गया तो इसका मतलब सिर्फ़ एक सब्सटेंस यानी कि के बी आर ने अपने एटम को रिप्लेस किया इसी वजह से ये भी एक सिंगल रिप्लेसमेंट की एग्जाम्पल है आइए अब हम देखते हैं डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन को डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट हो रही है लेकिन यहाँ पर डबल है इट मीन्स दो चीजों की रिप्लेसमेंट हो रही होगी सो अ टाइप ऑफ अ रिएक्शन और रिप्लेसमेंट रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर पार्टनर्स इस कॉल डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि वो जहाँ पर दो कंपाउंड एक्सचेंज करेंगे अपने पार्टनर्स को जबकि सिंगल रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा था सिर्फ एक सब्सटेंस अपने पार्टनर को जो है रिप्लेस कर रहा था लेकिन डबल में दोनों कंपाउंड्स जो है अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर रहे होंगे उनकी पोजीशन चेंज हो रही होगी इसीलिए इसे कहा जाता है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन अच्छा डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में जो आयनिक रेडिकल्स होते हैं उनका एक्सचेंज होता है अब हम देखते हैं कि आयनिक रेडिकल्स कैसे एक्सचेंज होता है इसके एग्जाम्पल्स आपके पास होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन और भी बहुत सारे होते हैं जहाँ पर भी आपके पास दो दोनों कंपाउंड्स अपने पार्टनर को एक्सचेंज करें उसे कहा जाएगा डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन तो आइए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर आप देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स एन एच रिएक्ट्स विद एच सी एल इट प्रोड्यूस एन ए सी एल मीन्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर यानि एच टू ओ ये तो बन गया लेकिन अगर आप गौर करें इसके पीछे क्या काम हुआ तो हमने नीचे आपको दोबारा से एग्जांपल लिख के दिए लेकिन अब दिखाया है कि आयनिक रेडिकल्स क्या मौजूद हैं इनके अंदर यानी कि जो कम एटम मौजूद है जो ग्रुप ऑफ एटम मौजूद है उस पर के क्या साइन मौजूद है तो अगर आप देखें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके अंदर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ओ एच यानी कि हाइड्रोक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसी तरह एच सी एल की बात करें तो एच सी एल में एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वेयर एच सी एल हैज़ नेगेटिव चार्ज अब हुआ क्या हुआ ये कि आपके पास हमने देखा डबल रिप्लेसमेंट में जो आइनिक रेडिकल्स होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं तो कैसे किया एन एच में से एन एच में ओ OH एच को रिप्लेस कर दिया किसने सी एल ने और एच सी एल में सी एल को रिप्लेस कर दिया ओ OH एच ने यानी कि दोनों ने अपने पार्टनर को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया एन एच में से ओ OH एच रिप्लेस होकर चला गया एच के पास एच सी एल वाले और एच सी एल में से सी एल रिप्लेस होकर आ गया एन ए के पास तो यहां पर दोनों कंपाउंड्स ने अपने पार्टनर को एक्सचेंज किया तो इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि दो चीजों की रिप्लेसमेंट हुई है लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कम्बस्टन रिएक्शन कम्बस्टन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सब्सटेंसेस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड फ्लेम वो केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंसेस जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो याद है कम्बस्टन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने की सबसे आसान मेथड क्या है कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा यानी कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन मौजूद होगा और इस रिएक्शन के नतीजे में आपके पास बन जाएगी हीट और फ्लेम यानी कि आपके पास वहाँ पर आग से भी नज़र आएगी तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कम्बस्शन रिएक्शन जैसे आपके पास आ गई बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जैसे आपके घर में चूल्हा जल रहा है या पेपर को जला रहे हैं ये एक एग्जाम्पल है कम्बस्शन रिएक्शन की जैसे आपके पास यहाँ पर दिया गया है जो नेचुरल गैस है एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल रही है कि जो हमारी नेचुरल गैस होती है उस वो बनी होती है किसकी मथेन की और मथेन का फॉर्मूला होता है सी एच फोर तो जब सी एच फोर का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ तो वहाँ पर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर मॉलिक्यूल्स और कुछ अमाउंट में हीट भी रिलीज़ होती है जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच से तो आपसे अगर पूछा जाए कम्बसचन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने को तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे आप सबसे पहले ये देखेंगे क्या वहाँ पर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन मौजूद है ठीक है आपने देख लिया अब देखिए क्या प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है तो अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन भी है प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है और साथ में हीट भी रिलीज़ हो रही है तो आप समझ जाइएगा कि वो केमिकल रिएक्शन कौन सा है वो कंबस्चन रिएक्शन है स्टूडेंट एक और बात अगर आप यहाँ गौर करें तो रिएक्शन में आखिर में लिखा गया है डेल्टा एच यानी कि हीट यानी कि इस केमिकल रिएक्शन जब परफॉर्म होता है उसके दौरान हीट निकलती है हीट रिलीज़ होती है तो यहाँ पर या वो केमिकल रिएक्शन जिसके रिएक्शन के दौरान आपके पास हीट रिलीज होती है निकलती है उस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है आपको हीट करना पड़ता है तो जहाँ पर आपको हीट देनी पड़ती है रिएक्शन के दौरान उसे कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन ई एंड डी ओ एंडोथर्मिक रिएक्शन जबकि जहाँ पर रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज़ होती है उस रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन सो आई होप स्टूडेंट्स के आप भी टाइप ऑफ रिएक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे आप इनको अच्छे से देखिएगा आप क्योंकि आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी होगी तो आइडेंटिफिकेशन आप अच्छे से कर सकते हैं

डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन एंड कम्बस्टन रिएक्शन वी हैव ऑल्सो डिस्कस दैस सम रिएक्शन आर एक्जो थर्मिक एंड सम आर एंटोथर्मिक एक्जो थर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस ज्योरिंग विच हीट इज रिलीज जिसके दौरान हीट रिलीज होती है उन्हें कहा जाता है एग्जोथर्मिक रिएक्शन वेर एज एंटोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस एंड विच हीट इज एब्बजॉर्ब्ड यानी कि जिनको रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है उन्हें कहा जाता है एंटोथर्मिक रिएक्शंस तो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क क्या है टू क्वेश्चन नंबर थर्टी थर्टी वन एंड थर्टी टू एंड दीज क्वेश्चन आर अवेलेबल ऑन पेज नंबर फोर्टी एंड फोर्टी वन लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इन क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्टी वन और थर्टी टू में आपको इक्वेशन बैलेंस करने को भी कहा गया है तो आप इक्वेशन बैलेंस मत कीजिएगा इक्वेशन बैलेंस हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे तो आप इसको जब कीजिएगा तो आप सिर्फ यहाँ पर इन क्वेश्चन में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कीजिएगा कि कौन से टाइप का रिएक्शन मौजूद है आई होप स्टूडेंट्स के आपको आज का लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा नोट्रेक्शंस की आइडेंटिफिकेशन करना भी इजी है बस आपको की पॉइंट्स याद होने चाहिए तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब एस एस एब चैनल एंड गेट नोटिफिकेशन फॉर अपलोडेड लेक्चर्स एंड प्लीज फॉर गेट टू प्रेस द लाइक बटन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली अल्लाह हाफिज़